भाई। ज़बरदस्त तेज़ पानी है और बहुत ज़्यादा खौफनाक मंज़र है यहाँ पे आप देखते हैं। और मैं अभी अमरनगर से तकरीबन कोई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर आया हूँ बाइक पर। ये आवाज़ सकते हैं शोर की वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये जो आवाज़ है ना ये पानी की आवाज़ है। और ये देखें आपको मैं दिखा देता हूँ पानी, ये पुल है जी, बहुत लंबा पुल है। इसके आगे ही वो उस साइड पे जाके एक पार्क है, वो भी आपको पार्क का भी विज़िट करवाते हैं। तो चलते हैं जी अभी हम पार्क की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँच रहे हैं। तो भी चलते हैं आगे पार्क। देखें जी यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी आया हुआ है दरिया के पास, और आप पीछे देख सकते हैं कितना गहरा और बहुत ज़्यादा पानी है। दिखाता हूँ ये देखें, ये भी हम आपको आगे नीचे जाके दिखाते हैं। ये जो इसकी है ये वाली है ना, ये इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, और सीढ़ियों से नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। फोग जो हैं ये यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कितना गहरा है ये। मरूं है ये, देखा जाए कितनी गहरा है ये पानी, और काफ़ी लोग ये पानी देखने आए हैं, ये देख सकते हैं आप। रोड है ये वाला जो रोड जा रहा है, और ये साथ इसके पार्क भी है, और ये जो रोड चला गया ये हवेली की तरफ है, और यहाँ से अभी हम आए हैं, ये साथ चौकी बनी हुई है। अभी हम जा रहे हैं पार्क की तरफ, पार्क की तरफ जा रहे हैं। ये साथ ही जो है देख सकते हैं घना जंगल है, जंगल में इनका एक पार्क बना हुआ है, वो उसका आपको विजिट करवाते हैं। 5 minutes later अभी जो हम देख रहे हैं, और ये देखें जी ये अभी हम आगे जा रहे हैं, आपको इसका कंप्लीट विजिट करवाते हैं बाइक पर ही। असल में काफ़ी बड़ा पार्क है ना, तो इसलिए पैदल आपको नहीं विजिट करवा सकता। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ये देखें यहाँ पे एक कैफ़े, फास्ट फूड कैफ़े भी बना हुआ है साथ ही। अभी हम जा रहे हैं आगे, प्यास वगैरह भी लगी हुई है, कुछ कैफे से कुछ पानी पानी लेते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। उसके बाद बच्चे वगैरह आए हुए हैं यहाँ पर, ये देखें जी यहाँ पे कुछ जानवर भी हैं। ये लिखा हुआ जी स्याह कंधों वाला मोर,
ये यहाँ पे स्याह कंधों वाला मोर देखे। और अभी आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या और कौन कौन से जानवर अवेलेबल है। ये मस्जिद छोटी सी बनाई हुई है उन्होंने यहाँ पर। पिंजरे देखते हैं किस चीज़ के। ये जो पिंजरे हैं इसमें क्या है जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें भी वही है स्याह कंधों वाला मोर। अभी हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे मोरों के अलावा भी कुछ है या सिर्फ मोर ही मोर भरे हुए इन्होंने यहाँ पे। ऐसे तो नहीं होता है। और जी हर पिंजरे में मोर ही है, इस पिंजरे वाले में भी मोर ही है। ये देखें, मुझे तो लगता है ये मोरों वाला पार्क है। ये जो है पार्क यहाँ पे भी देखें मोर ही मोर है। फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं यहाँ पर। ये क्या है, बंदर? ओहो ये बंदर है यहाँ पे। तो मुझे ये इस पिंजरे को देख के तो मुझे किसी की याद आ गई, समझ रहे हो? तो ये बंदर बंदर भाई चुप कर बे कुत्ते। हेलो बंदर भाई पकड़। बंदर भाई ये देखो जी ये बंदर है यहाँ का। ओए कहाँ जा रहे, किधर किधर? बंदर, ओए बंदर, बंदर तुझे देख के ना मुझे अपने एक दोस्त की याद आ गई। ओए बंदर, ये जी हमें बंदर शंदर नज़र आ गया आखिर। मतलब यहाँ पे ना तीन से चार अलग-अलग जो है इन्होंने बंदर के जो बनाए हुए हैं, तो इस वाले में जो है वो बाहर निकला हुआ था। मैं आपको देख सकते हैं बाहर, आपको दिखा देता हूँ। बंदर है, बंदरी है। ओ भाई किधर है, लगता है इसको गर्मी लग रही है। पंखा शंखा नहीं है, लाइट गई हुई है क्या? ओहो लगता नाराज़ हो गया। नाराज़ होके जी वो अंदर चला गया। कहता जी मुझे बंदरी है मेरे ख्याल से, तो वो अंदर चला गया अपने पिंजरे में, मुझसे जो है बात नहीं करना चाहता। तो अभी हम आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पिंग्स वगैरह। ओह मेरा बैग जो है नीचे गिर गया। ये यहाँ पे झूले वगैरह भी हैं बच्चों के लिए। ये तो व्यूअर्स यहाँ पे जो भी है ना आलू चने की चाट जो हम ट्राई करने लगे हैं। ये देखें जी अंकल जी से बनवा रहे हैं आलू चने और चिप्स वगैरह खाइए, लेकिन उसे पेट नहीं भर रहा था, दिल कर रहा था कि थोड़ा सा हल्की से आलू चने की चाट खाएँ। और ये मैं आपको दिखाता हूँ चटपटी सी आलू चने की चाट। मज़ेदार जो चाट थी वो हमने खा ली है, बड़ी मज़े की स्पाइसी सी चाट बनी हुई थी। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे जाके आपको जो है इसका विज़िट करवाते हैं पार्क का। अभी जो तकरीबन 4 बज गए हैं और हमारे जो टाइम में थोड़ा सा आधा घंटा रह गया है। आधे घंटे के बाद हमने दोबारा अपने दूसरे व्लॉग की तरफ जाना है। तो बड़ा अच्छा पार्क है और जो इसमें चाट में मिर्चें थी बड़ी ज़्यादा डली हुई थी, स्पाइसी थी चाट थी, खा के मज़ा आ गया है। और अभी हम चलते हैं जी आगे की तरफ। इसके अलावा यहाँ पर क्या है इसमें देखते हैं हम। नील गाय जी ये देखें जी यहाँ पे नील गाय और काला हिरन ब्लैक बक, ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, इसका विज़िट करते हैं। दूर है थोड़ा सा, खाने में मशहूर है वो। ये अच्छी बात है कि हमें उन्होंने यहाँ पे बाइक पर खाने की इजाज़त दे दी।
अदरवाइज यहाँ पे बाइक पर नहीं आने देते, पैदल इतना लंबा जो है ना वो मैं छोटे मोटे झूले भी इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो भी आगे देखते हैं क्या। ये देखिए ट्रैक्स बड़े मज़े के बने हुए हैं, अच्छे अच्छे चलो ये तो अच्छी बात है ट्रैक आए हुए हैं। ये भी वही है नील गाय, इसके आगे आप देख सकते हैं जी जंगल ही जंगल है, और इसके साथ जो जंगल ख़त्म होगा तो साथ दरियाए सतलुज है, तो मुझे तो यहाँ पे डर लग रहा है। हम दूसरी साइड पर जाते हैं तो पिंजरे जो है नील गाय वाला ख़त्म हुआ, तो हम रास्ता ही ख़त्म हो गया, तो हम दूसरी साइड पर चलते हैं। ये देखें यानी जंगल में इन्होंने वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया हुआ है, और बहुत पुराना है, थोड़े बहुत यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, ये फैमिलीज वगैरह आए हुए हैं। ये देखें ये देखें जी बिल्कुल ही छोटा सा रोड है, और ये सारा जो पार्क ऐसे ही है बस। A few minutes later. अभी जो है जी हम यहाँ पे बैठे हैं थोड़ा सा रेस्ट के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी शानी भी मैंने पिया है यहाँ से, और अभी कुछ खाने के लिए यहाँ पे कुछ खास नहीं है, चिप्स वगैरह ही हैं वो मैंने खाई है, और अभी हम जो वेट कर रहे हैं अपने टाइम का, टाइम पूरा होगा तो हम आगे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करते नहीं हो बस वीडियो देखते रहते, सब्सक्राइब भी कर दो, इतना सुकून है ना ऐसे यहाँ पे जगह पे। ये देखें ये मेरी बाइक खड़ी है यहाँ पे सामने, और ये देखें आपको लोग यहाँ पे बाइक पे अंदर आ रहे हैं, ये जिस सारा पार्क का जो व्यू है वो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, ये जी ये यहाँ का जो सारा व्यू था पार्क का तो मैंने आपको दिखा दिया है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेन जो हमारा यहाँ पे आने का मकसद था वो था बॉर्डर पर जाने का, बॉर्डर पर परेड आपको दिखाते हैं, लेकिन वो जो आपको परेड दिखाएंगे वो हम सेकंड ब्लॉग में दिखाएंगे, दूसरी वीडियो में। अभी हम अपने उनका टाइम जो है वो 4:30 बजे का है अंदर जाने का, और अभी जो टाइम है वो 3 बजे है, और परेड जो शुरू होनी है वो 6 बजे स्टार्ट होनी है, 6 बजे आपको परेड दिखाएंगे कंप्लीट। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि इस तरह के जो मज़ेदार वीडियो जो हैं हम तो आपको देखते रहें। मुलाकात होती है जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।